Hello student, before starting law of conservation of charge, we will understand a new concept. पहले आप चार्ज के लिए एक नोट उसी में करके लिखिएगा. चार्जेस ऑलवेज कम्स विथ मास. कोई भी चार्ज है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया. अब मास क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है. ठीक है, नेक्स्ट ये चार्ज. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखिएगा. मास एंड चार्ज. मास क्या होता है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होता है. मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है. और चार्ज क्या होता है? निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है. नेक्स्ट, आपने एक इक्वेशन क्लास 11 में पढ़ी थी. m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये एक डायमेंशन एनालिसिस में इक्वेशन आई थी. ये आपका क्या होता है? रेस्ट मास. ऑब्जेक्ट ऑफ मास व्हेन इट इज इन मोशन. ये वेलोसिटी होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट. तो यहां से ये पता चला कि अब जो कोई भी मूविंग बॉडी होती है उसका मास क्या होता है? जब आप रेस्ट पे होते हो, रेस्ट कंडीशन पे होते हो, जब आप मोशन में आते हो तो वो चेंज करता है. और कैसे वैरी करता है? वेलोसिटी. वो की डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी पे कि आपकी स्पीड कितनी है. नेक्स्ट, चार्ज क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब ये हो गया कि मास और चार्ज के बीच में डिफरेंसेस हो गए. नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड. देखिएगा, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. देयर आर थ्री बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स, पी क्यू आर. ठीक है, क्यू इज पॉजिटिवली चार्ज, आर इज निगेटिवली चार्ज और एंड पी इज न्यूट्रल. अरेंज them in according to their increasing masses. ठीक है, ये आपके थ्री आइडेंटिकल बॉल्स हैं, याद रखिएगा. ठीक है, क्यू को पॉजिटिव चार्ज किया दिया गया है, आर को निगेटिव और पी को न्यूट्रल. तो आपको अरेंज करना है किसमें? इंक्रीजिंग मासेस के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है. अब देखिएगा कि सबसे कम किसका मास होगा? इसका, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. डोनेट करने से क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज. एक्सेप्ट करने से निगेटिव चार्ज. तो पहले इसमें किसका चार्ज सबसे कम मास किसका होगा? क्यू का. फिर किसका होगा? न्यूट्रल एटम. ना इसमें चार्ज की कमी है ना ज्यादा है, न्यूट्रल. और इस आर क्या हो गया? इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इसके बाद आर. ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट.